हमारे धर्म के आड़े में कोई हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और सिविल सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व करती है चीजों को, हम भी उसको वेलकम करते हैं। हाँ, हमारे धर्म के आड़े में, हमारे धर्म के आड़ में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए। इसमें सब मजहब है, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख है, ईसाई है, इसमें ट्राइबल है, इसमें जैन है, इसमें पारसी है। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी का वो हुआ जिसके दम पर अपनी 2024 की चुनावी नैया जो है वो पार लगाने की फिराक में केंद्र की मोदी सरकार लगी हुई है। और केंद्र की मोदी सरकार, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, वो इस तरीके से प्रिटेंड करने पर लगी हुई है कि इसका नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को होने वाला है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड का शिकार कोई बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बनेगा। अगर मुस्लिमों ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के अपना बयान भी दे दिया तो इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कैसे मोदी सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं मुसलमान। और ये देखिए कि मुस्लिम संगठन ने ये बड़ा ऐलान कर दिया, वो शरिया कानून देश पर लागू करना चाहते हैं। पर अफसोस, ये आग सिर्फ मुसलमानों के बीच में नहीं लगने वाली, ये हर एक उस धर्म जाति विशेष के लोगों में लगने वाली है जो अपने अपने तरीके से अपने धर्मों को मानते हैं। इसी को लेकर के दिल्ली में सिख कम्युनिटी की यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बैठक हुई और इस बैठक में साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे धर्म के बीच में आया, हमारे धर्म में अगर अड़ंगा लगाया तो इसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को सिरे से खारिज करते हैं। सिख समुदाय के लोगों ने खुल्लम खुल्ला ऐलान जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के कर दिया है। क्या कुछ सिख समुदाय के लोगों की तरफ से कहा गया है, पहले उनके बयान पर नजर डालें। मैं पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने आज एक यूसीसी के ऊपर बैठक बुलाई जिसमें कंसेंसस तौर पर तीन चीजें सामने आई। मैं पहले धन्यवाद करता हूं दिल्ली कमेटी का, उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। और जो लोग बिना पढ़े बिना जाने, हमारे पास कोई खरड़ा नहीं है, हमारे पास अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, और उसके बावजूद जो विरोध करने वाले लोग हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं किस चीज का विरोध कर रहे हैं जब उनके पास कोई खरड़ा ही नहीं है। एक दूसरी बात, यूनैनिमसली सबने ये डिसाइड किया है कि हम कोई भी किसी तरीके का विरोध नहीं है, हम वेलकम करते हैं, हम ड्राफ्ट में आने का इंतजार करेंगे और अपने सजेशन जो हैं हम कमीशन तक जरूर भेजेंगे। और हमारे धर्म के आड़े में हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और सिविल सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व करती है चीजों को, हम भी उसको वेलकम करते हैं। हाँ, हमारे धर्म के आड़े में, हमारे धर्म के आड़ में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए, ये हमारे कस्टम्स में नहीं आना चाहिए। इस बात की हम अपना रिटर्न में जो है वो एक कमेटी पहले बनाई जाएगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और जो उनके सुझाव होंगे वो हम अपने कमीशन तक पहुंचाएंगे। हम लोग यहां पे बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन के बैठे हैं। मैं भी यहां पे एज अ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का फॉर्मर प्रेसिडेंट आया हूं, कोई पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही हम पार्टी के स्तर पर कोई किसी की बात बोल रहे हैं, ना ही किसी को, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया भी गया। और हम इस बात की भावना की कदर करते हैं कि देश के अंदर अगर कोई समान नागरिक कानून बनने जा रहा है जिसका कि जो कि सिविल कोड है और रिलीजियस नहीं है, रिलीजन को किसी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसका वेलकम। आपने सुना जहां साफ शब्दों में ये कहा गया कि धर्म के बीच में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने वाले। और ये साफ तौर पर एक कड़ा संदेश है क्योंकि यही मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि अगर कुरान शरीफ इबादत के बीच में कुछ आया तो इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ सिखों के लिए, मुसलमानों के लिए ही सबसे ज्यादा निशाना नहीं रहने वाला, उसका असर
सभी धर्मों के लोगों पर पड़ने वाला है। और इसी को लेकर के गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा है, उनके बयान पर नजर डाल लीजिए। इतना आसान नहीं है जितना आर्टिकल 370 को खत्म करना था। इसमें सब मजहब है, न सिर्फ मुसलमान है बल्कि इसमें सिख है, ईसाई है, इसमें ट्राइबल है, इसमें जैन है, इसमें पारसी है। तो इतने लोगों को एक वक्त में नाराज करना किसी भी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, और मेरी सलाह इस गवर्नमेंट को हो कि ऐसा कदम उठाने की कभी सोचे नहीं। आपने सुना गुलाम नबी आजाद को, जहां उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इसमें सभी धर्म के लोग जो हैं निशाने पर आएंगे, क्योंकि 370 हटाना आसान था क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा था। यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो अपने अपने तरीके से अपने अपने रीति रिवाजों को मानते हैं। और किस तरीके से प्रबंधक कमेटी ने, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की बैठक बुलाई गई जहां देश भर से तमाम गुरुद्वारे के लोग जुटे, उन्होंने क्या कुछ कदम इसको लेकर के उठाने के लिए कहा है, एक बार इस रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। दोस्तों, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की कार्यकारी समिति ने यूसीसी पर बैठक बुलाई है। गहन विचार विमर्श के बाद पैनल ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी का खुलकर विरोध किया है। एसजीपीसी ने इसे अनावश्यक और सिख समुदाय के हितों के खिलाफ बताया है। एसजीपीसी ने यह साफ तौर पर कहा कि वे यूसीसी को खारिज करते हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने यह साफ शब्दों में कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि देश के भीतर यूसीसी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संविधान स्वयं विविधता में एकता के सिद्धांत को कायम रखता है। इसी पर हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि यूसीसी ने देश में अल्पसंख्यकों के बीच डर पैदा कर दिया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यूसीसी अल्पसंख्यकों की पहचान, विशिष्टता और सिद्धांतों को कमजोर कर देगा। यूसीसी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए सिख बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों, विद्वानों और कानूनी विशेषज्ञों की एक उप समिति के गठन का जिक्र करते हुए धामी ने साफ शब्दों पर कहा कि समिति यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय के लिए उत्पन्न संभावित खतरे को स्वीकार करती है। एसजीपीसी ने इस बात पर जोर दिया कि सिख समुदाय के धार्मिक ग्रंथों, शिक्षाओं, सिद्धांतों, परंपराओं, मूल्यों, नैतिकता, रीति रिवाजों और स्वतंत्र पहचान को किसी भी सांसारिक कानून के आधार पर चुनौती या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। जहां धामी ने साफ शब्दों में कहा कि 21वें विधि आयोग ने भी यूसीसी को खारिज कर दिया था, यह सबूत देते हुए कि ऐसे कानून में व्यवहारिकता की कमी है और यह अनावश्यक भी है। बैठक के दौरान लिए गए अन्य निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए धामी ने यह भी कहा कि एसजीपीसी 1984 में दिल्ली के पुलबंगश गुरुद्वारा साहिब में 3 सिखों की हत्या के मामले में जगदीश टाइटलर से संबंधित मामलों की निगरानी करेगी। बैठक की उपसमिति में एसजीपीसी महासचिव गुराचरण सिंह ग्रोवल, वरिष्ठ वकील पूरन सिंह हुंदल, एसजीपीसी सदस्य भगवंत सिंह सियालका, परमजीत कौर, किरणजीत कौर और प्रोफेसर कश्मीर सिंह, डॉक्टर इंद्रजीत सिंह गुगवानी, डॉक्टर परमवीर सिंह और डॉक्टर चमकौर सिंह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले नगा नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने सरकार से आश्वासन का दावा किया है कि वो लॉ कमीशन राज्य में ईसाई समुदाय और कुछ आदिवासियों को प्रस्तावित
यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून से बाहर करने विचार कर रहा है, जिसमें नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में 12 सदस्यीय नगा प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को शाह से मुलाकात की और यूनिफॉर्म सिविल कोड के कार्यान्वयन और नागालैंड शांति वार्ता में प्रगति की कमी सहित राज्य की विभिन्न चिंताओं के बारे में बात की है। नागालैंड सरकार के प्रवक्ता ने यह साफ तौर पर दावा किया है कि गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि ईसाइयों और आदिवासी समुदाय को यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे से बाहर करने पर लॉ कमीशन विचार कर रहा है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं और किस तरीके से खुलकर के ऐलान सिखों की तरफ से कर दिया गया है कि अगर हमारे धर्म के आड़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड आया तो ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और इसका खामियाजा केंद्र की मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा।